Hello students, today I will explain you chapter number 2 of NCERT class 8 mathematics. The name of the chapter is linear equations in one variable. आइए देखते हैं क्या meaning है इसका linear equations in one variable. सबसे पहले मैं आपको ना ये जितने terms लिखी हुई हैं सबसे पहले इन सबको clear करते हैं. पहले ये लिखा क्या हुआ है, पहले linear तो उसके बाद हम पढ़ेंगे. पहले एक बार देखते हैं ये इक्वेशंस हैं क्या, इक्वेशंस होती क्या हैं. इक्वेशंस का मीनिंग होता है एन इक्वेशन सेज दैट टू थिंग्स आर इक्वल. ये एक बहुत इजी सी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि क्या एन इक्वेशन सेज दैट टू थिंग्स आर इक्वल. जैसे आपने सेवन्थ क्लास में पढ़ा होगा, मैंने ये लिख दिया एक्स प्लस टू इक्वल टू फाइव. अब ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है. क्यों इसको इक्वेशन कहा और ये क्या बोल रहा है कि एन इक्वेशन सेज दैट टू थिंग्स आर इक्वल. टू थिंग्स मतलब ये, एक ये और ये. अब आप कहेंगे कि सर ये कहाँ से इक्वल है, आप तो बोल रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं. तो इक्वल ऐसे हैं बेटा, जो एक इक्वेशन होती है हमें उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है. और आप सेवन्थ क्लास में सीख चुके हैं कि यहाँ पर मुझे कुछ पुट करना है, यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू पुट करनी है जिससे मैं उसमें फिर टू प्लस करूँगा और फिर फाइव बन जाएगा, तो तभी ये इक्वेशन कहलाएगी. अगर मान लो अगर मैं इसे हीट एंड ट्रायल मेथड से करूँ तो उस समय यहाँ पे एक्स की जगह वन रखता हूँ तो ये कितना आएगा, थ्री आएगा. ये इक्वल नहीं है किसके, फाइव के इक्वल नहीं है ना, ये फाइव के इक्वल नहीं है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा थ्री यहाँ पे. ऐसे ही यहाँ पे तो क्या वैल्यू चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, मान लो आपने थ्री रख दिया तो थ्री प्लस टू इक्वल टू क्या रखने हैं, फाइव. तो ये तब इक्वेशन कहलाएगी, ये एक इक्वेशन तब कहलाएगी जब आपका यहाँ पे इक्वेलिटी का साइन होता है. इसीलिए एक इक्वेशन जब लिखते हैं हम वहाँ पे इक्वेलिटी का साइन लगाते हैं. इससे मतलब ये होता है कि जो आपका LHS में टर्म्स लिखी जाती हैं वो RHS के क्या होती है, इक्वल होती है. तो जब मैं यहाँ पे थ्री पुट करूँगा, सिर्फ और सिर्फ थ्री पुट करूँगा, तब जाके ये इक्वेशन कहलाएगी. इसका मतलब कोई भी इक्वेशन ये कहना चाहती है कि वो LHS और RHS ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर होंगे और इसके बीच में क्या होगा, इक्वेलिटी का साइन होगा, तब ये इक्वेशन कहलाएगी. ठीक है, अब तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि भैया ये इक्वेशन होता क्या है. तो इक्वेशन क्या होगा आपका, एन इक्वेशन सेज दैट टू थिंग्स आर इक्वल. और वो बात अलग है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. लेकिन जब वो वैल्यू निकल जाती है उसके बाद हम इसको पुट कर लेते हैं, पुट करने के बाद हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो वो हमें क्या देगा LHS में, LHS में क्या देगा आपको, वही वैल्यू देगा जिसको आप यहाँ पे पुट करने के बाद ये RHS के इक्वल पाएंगे. यहाँ पे आप ट्रांसपोजिंग मेथड से भी कर सकते हैं, फाइव माइनस टू, ये टू यहाँ पे प्लस में इस तरफ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, थ्री. उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल. ये वेरिएबल क्या होता है, अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट टेक्स डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट सिचुएशन और कंडीशंस. अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट टेक्स डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट सिचुएशंस और कंडीशन. सपोज दैट मैंने कहा कि मेरे पास और 10 रुपीज ऐड कर दूँ, मेरे पास जितने भी रुपीज हैं उसमें मैं 10 रुपीज और ऐड कर दूँ तो मेरे पास इसमें 120 रुपीज हो जाते हैं. तो मैंने, मुझे पता नहीं था कि मेरे पास कितने, आपको पता जब मैंने बोला ही नहीं कि मेरे पास अभी कितने रुपीज़ हैं तो आप तो ये सपोज ही नहीं कर सकते कि मेरे पास अभी रुपीज़ कितने हैं. तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मेरे पास अगर जितने भी रुपीज़ हैं उसमें मैं अगर 10 रुपीज़ और ऐड कर दूँ तो मेरे पास 120 हो जाते हैं. तो यहाँ पे जब हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती है, हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जहाँ पे हमें वैल्यू पता नहीं है और मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि मेरे पास एक्चुअल में कितना मनी पहले था जिसमें मैंने ऐड किया वो 10 रुपीज़ और 120 पा लिया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, हम यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ करते हैं. वेरिएबल अलग अलग, ये एक्स, इस क्वेश्चन के लिए एक्स देखिए आप, जैसे एक्स इक्वल टू क्या है, आप कैसे निकालेंगे इसको, 10 इज इन प्लस इट विल मूव टू RHS एच माइनस, सो व्हाट विल बी योर आंसर, 110. अब देखो इस क्वेश्चन के लिए एक्स इक्वल टू 110 आया है, लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरे पास किसी दूसरे दिन कुछ रुपए थे और उसमें मैंने 20 ऐड किए तो ये हो जाता है 43.
तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ, मुझे तो पता नहीं था कि मेरे बाकी रुपए, तो मैंने क्या सपोज किया यहाँ पे एक्स मतलब कि कोई वेरिएबल ले लिया। और जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जो आपको नॉर्मली जो हम साइन लेते हैं वो एक्स वाई और जेड लेते हैं। आप लेने के लिए आप ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशन है कि हम एक्स वाई और जेड में लेते हैं। तो यहाँ पे 43 माइनस 20, तो 20 इज इन प्लस, इट विल मूव टू आर एच एस एज माइनस, तो 3, 4 माइनस 2, 2। अब देखिए यहाँ पे एक्स कितना है, 23, और यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू 110। तो ये अलग अलग क्वेश्चन के लिए क्या आ सकता है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए एज पर द सिचुएशन, और जहाँ पे जिसकी वैल्यू फिक्स ही नहीं रहती, किसी क्वेश्चन में कुछ और आ जाए, किसी क्वेश्चन में माइनस में आ जाए, किसी क्वेश्चन में प्लस में आ जाए, कुछ भी आ सकता है वैल्यू, तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। अच्छा जी, ठीक है, हमने एक इसको क्लियर कर लिया, एक वेरिएबल कर लिया। और ये वन वेरिएबल का मतलब क्या है और लीनियर का मतलब क्या है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन मीन्स क्या होता है, लीनियर मीन्स जहाँ पे, जहाँ पर जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल हैं उसकी हाईएस्ट पावर वन हो। जैसे मैंने बोला कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो जैसे 20 लिख दिया, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर, एक्स और जगह तो है नहीं, तो एक्स एक ही एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है टोटल, वन है। इसे हम डिग्री भी कहते हैं इसकी, तो जिसकी डिग्री, डिग्री मतलब जिसकी पावर, जो पावर है हाईएस्ट पावर जो है अगर एक्स की जो वन होती है किसी क्वेश्चन में, उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। जैसे सपोज दैट, मैं और कुछ एग्जांपल लेके चलता हूँ, वाई 2y+3=10, ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वेलिटी का साइन है, इट मीन्स LHS=RHS, हम y की कुछ वैल्यू निकालो। तो देखते हैं क्या यह लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ये भी बिल्कुल है, क्योंकि एक ही y है यहाँ पे, और y की क्या है पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, वन है। तो यहाँ पे भी कितना कितना होगा, इसकी डिग्री वन है कह सकते हैं हम, एक कुल मिला के। अब नेक्स्ट क्लास में डिग्री के उसमें पढ़ेंगे इसे, आप फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए हाईएस्ट पावर जो है उसके वेरिएबल की वो कितनी है, वो कितनी है यहाँ पे, वन। तो हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ 2xy+10=7, क्या यह एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर वन है और इसकी पावर भी वन है, तो टोटल पावर, टोटल प्लस नहीं करना आपको, हम डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की डिग्री बोलें तो डिग्री 2 हो जाएगी बेटा, क्योंकि इसकी 1 और इसकी 1। तो डिग्री का मतलब ये होता है कि किसी क्वेश्चन में जो आपके इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन में आपके जो वेरिएबल है उनकी पावर को आप ऐड कर लीजिए। तो इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे 2 डिग्री है इसकी, इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है। जैसे मैंने बोला इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 3 है डिग्री इसकी, क्योंकि हाईएस्ट पावर जितनी भी होती है उसकी डिग्री 3 हो जाती है। जैसे मैंने बोला एक्स वाई पावर 4+2, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 4+1। तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर को ऐड कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको डिग्री कितनी है। तो यहाँ पे हम लीनियर का मतलब भी समझ गए, जहाँ पे लीनियर मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वन, जहाँ पे वेरिएबल की जो पावर हो, हाईएस्ट पावर हो, वो कितनी हो, वन, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। आपको ये सब नोट करना है अपनी नोटबुक में, और जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उससे पहले आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, और लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वन, तो आप लीनियर से भी मतलब समझिए। अब इन वन वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है और वन वेरिएबल लिखा हुआ है, वन वेरिएबल का मीनिंग वही है जो आप यहाँ पे समझ रहे हो, वन मीन्स वन, सिंगल वन, काउंटिंग में जब वन करते हैं वन, वेरिएबल में एक कोई ऐसा वैल्यू जो अननोन हो। जैसे मैंने बोला यहाँ पे x+y=10, देखिए यहाँ पे वेरिएबल जो है, एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है, तो दोनों दोनों डिफरेंट हो गए। इसका मतलब एक्स की कुछ और वैल्यू होगी, वाई की कुछ और वैल्यू होगी, हो सकता है सेम भी हो, लेकिन वेरिएबल तो अलग अलग आ गए ना इसमें, तो ये हमारी कंडीशन नहीं होगी, ये बिल्कुल नहीं है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये गलत है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि एक्स प्लस थ्री
इक्वल टू 2x। अब आप बोलेंगे सर ये है या नहीं है, ये है या नहीं, इसका आंसर आप इससे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व करूँ x एंड 2x, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं x इज इन प्लस, इट विल मूव टू RHS इज माइनस, सो 3 इक्वल टू x। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर पाए, इसको हम कन्वर्ट तो कर दिए किस में, ये दो अलग अलग वेरिएबल नहीं है लेकिन अलग अलग जगह पे एक ही वेरिएबल को दिया गया था। इसका मतलब ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो 2x और ये x, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 2x जो है प्लस में वो इस तरफ किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। इसे हमने सॉल्व करके एक वेरिएबल आ गया पूरा, तो इसका मतलब ये एक ही वेरिएबल है, ये सॉल्व किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। और लीनियर कैसे है, यहाँ पे पावर वन है, ये भी लीनियर इक्वेशन थी लेकिन इन वन वेरिएबल नहीं थी, इन टू वेरिएबल, क्योंकि एक्स अलग है वाई अलग है, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो वन वन है ना, दोनों का अलग अलग चेक करना पड़ता है ना आपको। तो ये एक्स की पावर हाईएस्ट पावर वन है और वाई की हाईएस्ट पावर भी वन है, तो लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। तो हम बोलेंगे ये नहीं है और ये है। और कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स प्लस 7x इक्वल टू 10, ये भी है, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर वन है तो लीनियर इक्वेशन होगी पहले। उसके बाद यहाँ पे जो पावर है, जो पावर है आपकी वो कितना हो गया, यहाँ पे वन पावर है और वन पावर है तो लीनियर इक्वेशन है। और 7x प्लस x कितना हो गया, 8x, तो x की वैल्यू निकाली जा सकती है 10। तो यहाँ पे भी सॉल्व किया जा सकता है, कुल मिला के अगर अलग अलग जगह पे एक ही वेरिएबल को लिखा गया था तो उसे सॉल्व किया जा सकता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये तो था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को मैं तो आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। ये आपके एग्जांपल्स जो हैं एक्सरसाइज 2.1 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो मैं आपको आपके सामने इन क्वेश्चन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करूँगा। आपको इन्हीं एग्जाम्पल्स को देखते हुए 2.1 एक्सरसाइज करनी है, 2.2 नहीं करनी, 2.1 एक्सरसाइज करनी है, वो इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से करनी है। जब वीडियो के एंड में आपको एक तो वीडियो पूरा देखना है और लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पेज पे लिखे हुए मिलेंगे, उनको आपको नोट डाउन करना, और वो आपके एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस हैं। आपको जिसके पास बुक नहीं है वो बच्चा वहाँ से नोट करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हमारा, x माइनस टेन इक्वल टू थ्री। ये एग्जाम्पल था, आपने देखा भी होगा ऊपर पे, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन एक बार लिख सकते हैं। ओके, तो x माइनस टेन इक्वल टू थ्री, दिस इम्प्लाइज है, ये एक इक्वेशन है हमें सॉल्व करना है। टेन इज इन माइनस इन LHS, इट विल मूव टू RHSS प्लस। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं उसमें देखते हैं पहले वेरिएबल वाली टर्म्स कितनी है। तो वेरिएबल वाली टर्म तो एक ही है यहाँ पे, और कोई टर्म तो है नहीं, तो लेकिन न्यूमेरिकल टर्म आपको दिख रही है यहाँ पे 10 और 3, तो 10 किस में है, यहाँ पे माइनस में है। तो अगर हम 10 को इस तरफ ट्रांसपोज करें इसका, सो व्हाट वी विल राइट, 3 प्लस 10, सो व्हाट विल बी द आंसर, एक्स इक्वल टू 30। 10 इज इन माइनस इन LHS, इट विल मूव टू RHSS प्लस 10, सो 10 प्लस 3 इक्वल टू 30। सो वी हैव सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन वॉज y प्लस 23 इक्वल टू 50। सो y इक्वल टू 23 इज इन प्लस इन LHS, इट विल मूव टू RHSS माइनस 23। जो भी नंबर होते हैं आपके LHS में या RHS में, अगर उन्हें आप शिफ्ट करते हैं इक्वेलिटी के उस तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं, मान लो आप 50 को अगर इस तरफ लाए होते तो 50 माइनस साइन के साथ आता, लेकिन हम 23 को उस तरफ ले जा रहे हैं तो 23 का माइनस साइन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप इसे, माइनस 27। थर्ड पार्ट इज 8 इक्वल टू एक्स प्लस 3, 8 इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 8 और 3 है, x अकेला है यहाँ पे, तो हम ऐसा करते हैं 8
और ये 3 यहाँ पे प्लस में है, इसे माइनस में क्यों ना ले जाया जाए और ऐसा कर दिया जाए, तो व्हाट विल बी योर आंसर, बिकॉज एक्स इज इन प्लस। जो 8 है उसका प्लेस पहले से ही प्लस में है। देखिए आप 8 का अभी साइन क्या है, प्लस का साइन है, तो 8 का साइन फिर से वही रहेगा। ये प्लस 3 था, ये LHS में मूव हुआ, तो प्लस 3 का साइन माइनस 3, 8 माइनस 3 इक्वल टू प्लस 5। ओके, मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसे अच्छे से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 4 बाई 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 बाई 2। सो अब देखिए यहाँ पे ये एक नंबर है 4 बाई 3, 5 बाई 2, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि y अकेला एक वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन इन नॉन वेरिएबल के एग्जांपल है सारे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपने अभी तक देखा होगा, 3 क्वेश्चन जो देखे उसमें हाईएस्ट पावर जो भी वेरिएबल की थी वो कितनी थी, 1 थी, और y की यहाँ भी कितनी पावर है, 1 है। तो y इक्वल टू 5 बाई 2। अब देखिए यहाँ पे 4 बाई 3 का साइन क्या है, यहाँ पे प्लस का है, और ये इस तरफ जाके किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो y इक्वल टू, वी हैव टू टेक एलसीएम, 2 3 जा 6, सेवन बाई सिक्स एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे, 3 2 जा 6, तो 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, 15 माइनस 8, 7 बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो कि 5th पार्ट है वो है 12x इक्वल टू 72। सो देखिए यहाँ पे कोई प्लस माइनस में नंबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, देखिए 12 और x इन दोनों के बीच में क्या साइन होता है, आपको पता है, आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इनके बीच में साइन आपका मल्टीप्लाई का साइन है। तो मल्टीप्लाई में जो साइन होता है वो किस में जाता है, डिवाइड में जाता है। जो प्लस का होता है वो इक्वलिटी की उस तरफ किस में जाता है, माइनस में जाता है। जो माइनस का होता है वो किस में जाता है, प्लस में जाता है। जो मल्टीप्लाई का होता है वो किस में जाता है, डिवाइड में जाता है, और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है। जस्ट अपोजिट हो जाता है, जिस साइन के साथ वो LHS में जुड़ा होता है या इक्वलिटी के किसी तरफ जुड़ा होता है, वो सेम उसके अपोजिट साइन के साथ दूसरी तरफ जाता है। तो एक्स इक्वल टू 12 6। नाउ 6th पार्ट, सिक्स्थ पार्ट एक्स बाय 10 इक्वल टू 12। सो देखिए अभी मैंने रिकॉल किया था आपको कि जो डिवीजन में होता है LHS में, तो वो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए 1 है, दूसरे वे में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स से एक्स 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप आंसर वही आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 120 आ गया, और वह लीनियर इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पता चल गया हमें। और देखिए आप फिर से हम इक्वेशन की थोड़ा चेकिंग करते हैं कि एक्स अगर मैं 120 यहाँ पुट कर दूँ तो 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 12। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जो ये बताता है कि क्या है, ये दोनों टर्म्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो एक्स की वैल्यू की कमी है यहाँ पे, और हमने वो क्या कर दी, फाइंड भी कर दी, तो उसे जस्ट पुट करने की देर है, और हमारा दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, इक्वेशन इक्वेशन की जो हम डेफिनेशन बोलते हैं वो फुलफिल हो जाएगी। अब 7th पे आते हैं, 3x अपॉन 5 इक्वल टू 10। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 3x अपॉन 5 इक्वल टू 10, यहाँ पे फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, या आप ये समझ लीजिए कि 5 यहाँ डिवीजन में है, आप इसको मल्टीप्लाई में ले जा रहे हैं। और ऐसा तभी होता है जब आपका ये, अभी यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूँ 2+ लिख दूँ, मैं यहाँ पे अगर 2+ लिख दूँ, फिर आप ऐसे 5 से 10 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आपका जो साइन होता है 2 इधर माइनस में जाएगा। तो अभी यहाँ पे कुछ ऐसा माइनस और प्लस का ऑपरेशन है नहीं, जब माइनस और प्लस के ऑपरेशन पूरे सॉल्व हो जाते हैं उसके बाद ही हम मल्टीप्लाई और डिवीजन के जो ऑप्शंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो अभी प्लस और माइनस के कोई क्वेश्चन नहीं, कोई भी नंबर यहाँ पे प्लस या माइनस में नहीं जो उस तरफ ले जाया जाए, तो इसलिए हमारे पास 3x अपॉन 5 है जो कि डिवीजन का साइन है, तो 5 डिवीजन में, ये मल्टीप्लाई में चलेगा, 5 10 जा 50। सो इन अदर वे यू कैन राइट 50 अपॉन 3। 8th पार्ट में आते हैं, 2.3 इक्वल टू वाई अपॉन 1.2। फिर से वही क्वेश्चन, आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों को
वन लगा लीजिए आप अगर कन्फ्यूजन हो रही है आपको। और यहाँ पे देखिए कोई भी साइन नंबर ऐसा है, इसको तो आप सोच रहे हो कि सर ये भी तो नंबर है, कि आप बोल रहे हैं कि कोई भी नंबर प्लस और माइनस में नहीं है, कि मैं इस तरफ या उस तरफ ले जा लूँ उसको जैसे कि सॉल्व कर पाऊँ। लेकिन अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो फिर ये जीरो बन जाएगा, फिर मैं सॉल्यूशन कैसे लाऊंगा इसका वाई के इक्वल। मान लो एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिएगा गौर करिएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए ले जाने के लिए मैं इसको यहाँ ले जा सकता हूँ वाई अपॉन 1.2 माइनस 2.3, लेकिन इससे सॉल्यूशन क्या मिला, इससे सॉल्यूशन क्या मिला, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिला। हम क्वेश्चन आगे को कर ही नहीं पाएंगे सॉल्व, तो सॉल्यूशन तो तभी कर पाएंगे ना जब ये इस तरफ जाए, फिर उससे आगे हम और कुछ कर पाए। तो यहाँ पे ये नहीं करेंगे हम इसे, हम जस्ट वेरिएबल के साथ जो नंबर है उनको उस तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो पाए। तो यहाँ पे 2.3/1 और y आप इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या आप ऐसा समझ लीजिए दूसरे वे में y के साथ 1.2 क्या है डिवीजन के साइन के साथ है, तो जस्ट अपोजिट में जाएगा 2.3 × 1.2 = y। तो 12 से, और देखिए जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लेस तो कितने डेसिमल प्लेस है, एक इसका है एक इसका है, तो जब भी मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल में डेसिमल प्लेस जो होते हैं मल्टीप्लाई करते वक्त वो आपका उतने ही प्लेस बाद लगते हैं जितने में वहाँ पे होते हैं। जैसे मैंने बात कर रहा हूँ यहाँ पे वन प्लेस बाद है और यहाँ पे वन प्लेस बाद है, तो इसका मतलब टोटल कितने प्लेस हो गए, 2 प्लेस। तो जो आंसर आएगा उसमें 2 प्लेस के बाद आपका डेसिमल लगा होगा। 12th ही जा, देखिए कितने प्लेस, 1 प्लेस यहाँ से 1 प्लेस यहाँ से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 9th पार्ट पे आते हैं, 5x − 10 = 24। तो देखिए यहाँ पे ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए अब जस्ट पहले डिवीजन ये मल्टीप्लाई में है, इसे मैं जस्ट नहीं ले जाऊँगा 5 को, यहाँ पे आपको आंसर पता चल गया होगा क्योंकि जिसने वीडियो ध्यान से देखा उसे समझ में आ गया होगा कि पहले क्या करना है, पहले माइनस और प्लस वाले नंबर को दूसरी तरफ ले जाना है। तो क्या करेंगे, 24 + 10, ये माइनस का साइन है ये प्लस में आ जाएगा, तो 5x = 4 और 2 + 1 = 3x = 34/5। अब 34/5 क्यों हुआ, क्योंकि 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जिसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा वो किस में आएगा, यहाँ डिवाइड में आएगा। 9th और 10th पार्ट पे आते हैं, x/2 + 5 = 9/4। देखते हैं इसमें क्या करना है आपको, x/2 इसको फिलहाल के लिए यहीं रख देंगे क्योंकि अभी एडिशन का रहा हुआ है, एडिशन को पहले सॉल्व कर लिया जाए इसे। तो 9/4 ये किस साइन के साथ है, इधर प्लस साइन के साथ, तो पहले माइनस में जाएगा। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। x/2 = 4, 4 × 1 = 4, सो 9, 1 × 4 = 4, 4 × 5 = 20। एलसीएम आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं तो इसलिए ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा हुआ इसमें, इसमें से माइनस कर दीजिए, −11/4। या और इसे क्या लिखा जा सकता है, देखिए अब फिर से वही बात, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो सॉल्व द इक्वेशन क्वेश्चन था हमारा। तो देखिए एक्स के साथ 2 किस में है यहाँ पे, अभी ये डिवाइड में है, इसमें डिवाइड का साइन है ना, तो ये किस में जाएगा, उस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा। अब देखिए जो पहले से लिखा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो पहले से वहाँ ऐसे ही है, तो आपको जस्ट क्या कर देना है, 2 यहाँ डिवाइड में था, ये इधर जाके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे लगा लेंगे हम, तो कितना जाएगा, x = 2 से 2 4 कट जाएगा, तो कितना जाएगा, −11/2 = 4। ठीक है, 11th क्वेश्चन पे आते हैं, 2/3 + x/2 = −5/4। क्या करना है, सबसे पहले x/2 इसे आप इस तरफ ले जाइए, तो ये अभी किस साइन के साथ है, 2/3 पूरा का पूरा नंबर किस साइन के साथ है, प्लस साइन के साथ है, ये किसके साथ आ जाएगा, इधर माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो x/2 यहाँ पे क्या एलसीएम होगा, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15 और 4 × 2 = 8, x/2 = 12। सो नाउ देखिए अब 2 जो है वो किस में है, डिवाइड में है, और पूरा सॉल्व कर चुके हैं हम, तो अब कोई नंबर इधर उधर ले जाना रहा नहीं है जो प्लस और माइनस में है,
तो सिर्फ हम क्या करेंगे 23 बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इन अदर वे 2 विल कैंसिल 12 एट 6 टाइम, सो विल राइट माइनस 23 बाई 6। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब आप आपका काम ये है, आपको ये क्वेश्चन जो आगे दिख रहे हैं इन क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 12 तक है, ये आपकी एनसीईआरटी मैथमेटिक क्लास 8 के क्वेश्चन हैं, 2.1 के क्वेश्चन है। आपको ये सभी क्वेश्चन आपकी नोटबुक में करने हैं। उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, तब आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। तो आपने देख लिया वैसे, अब मैं नीचे कर रहा हूँ। फिर आपको ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जो हैं इनको सॉल्व करना है। ये मैंने खुद से आपके लिए लिखे हुए हैं। तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं उसके बाद इन क्वेश्चंस को नोट करना है। x बाई 3 प्लस 5 बाई 2 इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, तो आप नीचे लिखेंगे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स। उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये है आपका 17 तक। तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करते रहिए, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन है उनको नोट कीजिए। उसको नोट डाउन करने के बाद तब उसको लास्ट में जब आपका पूरा नोट डाउन हो जाए उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। थैंक यू सो मच।